किले की मरवत में पुलिस अहलकार की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से चार अफराद जां बहक हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, लकी मरवत में पुलिस अहलकार की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से चार अफराद जां बहक हो गए। कुरम टोल प्लाजा के करीब पुलिस अहलकार सादुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग की गई। गाड़ी में सवार दो खवातीन मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं। लकी मरवत में पुलिस अहलकार की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से चार अफराद जां बहक हो गए। कुरम टोल प्लाजा के करीब पुलिस अहलकार सादुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग की गई। गाड़ी में सवार दो खवातीन मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह खान से। इरफान, बताइए क्या इस वाकये के हवाले से? जी बिल्कुल, ये इंडस हाईवे पर कुलम टोल प्लाजा के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने चलती हुई मोटरकार पर फायरिंग की है, जिसमें लकी मरवत पुलिस के साबिका MPO सादुल्लाह का तरखेल दो बच्चों समेत कत्ल हुए हैं। फायरिंग से गाड़ी में सवार दो खवातीन महफूज रही। बच्चों की उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है, जो कि पुलिस एहलकार सादुल्लाह के बांझे बताए जा रहे हैं। पुलिस दराय के मुताबिक सादुल्लाह मोटरकार में खवातीन और बच्चों के हमराह सतरखेल से पेशावर इलाज मुआवजे के लिए जा रहे थे कि इंडस हाईवे पर नामालूम मोटरसाइकिलों ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग की।